नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पठारी में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलर्स की दुकान पर किया हाथ साफ, लाखों का सामान ले उड़े चोर। पुलिस अधीक्षक ने किया मौके का मुआयना। विदिशा के नगर पठारी में शनिवार की रात को मेन मार्केट स्थित विकास ज्वेलर्स पर चोरों ने धावा बोल दिया। एक ही वक्त में दो शटर के ताले तोड़ लाखों रुपए मूल्य के ज्वेलर ले उड़े चोर। वहीं घटना का जायजा लेने पठारी पहुंची एसपी मोनिका शुक्ला ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्दी हम चोरों का पता लगा लेंगे। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार भाई साहब, प्रणाम। नमस्कार आशीष जी, कैसे हैं? बस आशीर्वाद से सर, मैं पहल मंदिर से ही आया। अच्छा, तो फिर मैंने कॉल किया था। हाँ हाँ जी, आदेश। अच्छा, ये जो चोरी की घटना हुई है, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए। जी जी, ये करीबन डेढ़ के भीतर बाद में हुई है। अच्छा जी, क्या है, रात को जो फुटेज कैमरे में आए हैं वो क्लियर नहीं आ पाया। अच्छा, तो हाँ, दो के बाद ही मान लीजिए, मतलब उसके हिसाब से क्या है, एक छेद बज के 40 या 47 मिनट से वो रास्ते में दिखे हैं। अच्छा जी, ये चोरी की घटना का पता कब चला? जी सुबह। अच्छा सुबह, जब हाँ, जब वो निकले कुछ लोग रास्ते वाले, जब उनने खुला देखा शटर। अच्छा अच्छा, लगातार तीन शटर थे, एक में जनरल स्टोर में था और एक में मोबाइल शॉप थी और एक में सराफी की दुकान थी। अच्छा जी, दोनों दो के ताले टूटे, तीनों के ताले हैं। अच्छा जी, फिर उसमें कुछ नहीं किया उनने, सिर्फ सराफी की दुकान, और उसके करीबन मेरे अंदाज से आधा 10-15 दुकान छोड़कर और उनकी परिवार की एक दुकान और थी। उसका भी ताला तोड़ा। अच्छा, और मोबाइल वगैरह नहीं टच किया उन लोगों ने? नहीं, उसमें कुछ नहीं टच किया, वही सामान अकेले लेगा सराफी वाला टूटल। अच्छा जी जी, अभी पुलिस ने उसमें कार्यवाही क्या की है? मेरे एसपी मैडम आई है पहली बार विदिशा जिले में। अच्छा, तो वो पहली बार आई और जैसे उनको पता लगा सुबह, जिसके माध्यम से लगा हो, तो सबसे फौरन वो आई पठारी। उन्होंने जांच की, मुआयना किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अति शीघ्र चोरी पकड़ी जाएगी। अच्छा, ये डॉग स्क्वाड वगैरह भी आया था, उसकी थोड़ी जानकारी आया था। डॉग स्क्वाड ने क्या था सर, उस पीरियड में बहुत से लोग निकलते हैं, अब वो जिसके घर गए हैं उनकी जानकारी हमारे यहाँ थाना प्रभारी महोदय दीपक राठौर जी ने ली है। अच्छा, सबको बुलाया है, अब वो पूछताछ अपनी कर रहे हैं। अच्छा, जिस शक है उनको भी बुला रहे हैं। मतलब पुलिस जांच कर रही है उसमें? हाँ, पुलिस जांच कर रही है। अच्छा, और एसपी मैडम का सवेरे मुआयना वो भी हो गया, मौका मुआयना। अच्छा जी, इसके बाद उनने जो भी दिशा निर्देश दी हूँ टीआई हमारे यहाँ थाना प्रभारी महोदय के लिए। जी, तो एसपी काफी एक्टिव दिख रही है? नहीं नहीं, अभी आई है और एक्टिव भी है। अब जिसके माध्यम से इतने अति शीघ्र चोरी होना और जिला का मुखिया पठारी आना तुरंत, काबिले तारीफ है, बहुत बड़ी बात है सर। जी, क्योंकि ये मान लो सुबह या मान लो मॉर्निंग में 5 या 6 समथिंग पता चली चोरी हुई और 6-4-10 करीबन 10-10:30 वो पठारी प्रवेश हो गई। अच्छा, काफी जल्दी आ गई। कितना दूर है जिला मुख्यालय जहाँ पे बैठे हैं? मुख्यालय यहाँ से 75 किलोमीटर है सर। अच्छा, तो 2 घंटे तो रास्ते में लग गए होंगे कम से कम। ये हम नॉन स्पॉट लो, 1.5 घंटे तो कम से कम मान ही लो। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। यहाँ थाना में हमने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया कि हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं। हमारी प्रायोरिटीज हैं ट्रैफिक सुधारना, हमारी प्रायोरिटीज है चोरी कम करना और जो अवैध गतिविधियां हैं उनको रोकना। आज पता चला कि यहाँ मार्केट में चोरी हो गई है, तो स्टाफ लगा दिया है, कुछ 3-4 बिंदु दिए हैं। आजू बाजू में CCTV फुटेज में वो कुछ आए हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आशा करते हैं हम इस चोरी को निकाल लेंगे। साथ ही व्यापारी बंधुओं से ये भी अनुरोध है कि वो अपने अपने प्रतिष्ठान के सामने संभव हो सके तो CCTV कैमरा अपने दुकान के आउटर में लगा लें, तो जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोक रखेगी और हम गश्त को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और यहीं पठारी के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि वे सुरक्षा समिति में भी शामिल हों, ताकि उनको भी हम पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करवा सकें। हाँ, नहीं, जो खाली पैर हैं, जो खाली पैर नहीं, बैग भी तो टांग है यार, बैग भी है हाथ में, जो बाहर के हैं हर टैग नहीं है, मास्क लगाए हैं। ये टैग नहीं है।